خدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقنه ارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجل لوليك الفرج اللهم اجل لوليك الفرج اللهم اجل لوليك الفرج صلوات بر محمد و آل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذاته واحد وذاته صمد وذاته قادر وذاته مقتدر وذاته سميع وذاته قدير وذاته عليم وذاته ولي والذي قال له في شانه فتبارك الله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اسمه احمد على السماء واسمه محمد في الارض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين والذي قال له في شانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ثم الصلاه والسلام على خليفه الرسول ووصي الرسول ووزير الرسول وباب عترت الرسول وزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذي قال له في شانه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین نعرہ حیدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید والفرقانہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا صَلَوَاتٍ بَرْ مُحَمَّدْ وَآلِ مُحَمَّدْ دعاِ پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی پڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص میں شمار فرمائیں دنیا کے جس کسی کونے میں بھی حسین ابن علی کے عزادار آباد ہیں خدا ان عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین کو خدا نیست و نابود فرمائے
वतन अजीज का आमन खराब करने वाले दहशतगर्दों को खुदा जलील व ख्वार फरमाए। परवरदिगारा ये आज़ादारी हमारी नस्लों में कायम व दायम फरमा। मेरे अल्लाह हमारे मालिक के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारे मौला को हमसे राजी व खुशनूद फरमा। हमें इमाम के सिपाहियों में शुमार फरमा। सलावात पढ़ें सब मिलकर बआवाज़ बुलंद। तवज्जो है गुफ्तगू का आगाज किया जाए। यकीनन काफ़ी देर से मजलिस शुरू है और काफ़ी अभी पढ़ने वाले अहबाब मौजूद हैं। मैं अपने हिस्से का सजदे ज़िक्र अदा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हुक्म था बानियान की जानिब से दो दिन पहले करबला से वापसी हुई, फिर मुसलसल सफ़र करते हुए आपकी ज़ियारत के लिए यहाँ मौजूद हूँ। आपके इस इलाके में पहली दफ़ा हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो रहा है, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आपसे ये मेरी पहली मुलाकात है, चूँकि आपकी रूह से मेरी रूह उस दिन से आशना है जिस दिन से दोनों ने आलम अरवाह में मिल के अली की विलायत का कलमा पढ़ा है। तो थकावट यकीनन है, लेकिन अगर आप हम सफ़र हो जाएंगे तो मुकम्मल सजदा ज़िक्र एक बार जमात अदा किया जा सकता है। पहला जुमला तिलावत करता हूँ, उसी से आपकी समातों का अंदाज़ा हो जाएगा कि जितना खुदा का शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि खुदा ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम फर्श पे बैठ के उनका जिक्र कर रहे हैं जिनका जिक्र वो अर्श पे बैठ के खुद किया करता है। सलामत हो शादो आबाद रहे। बस जितने हाथ भी ये उठे, अगर इतने भी मेरे साथ हम सफर रहे अकीदे के सफर पे, तो मैं आने का मकसद पूरा समझूंगा। मैंने कहा जितना उसका शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम उनका जिक्र करें जिनका जिक्र वो अर्श की बुलंदी पे बैठ के खुद किया करता है। चूंकि दो दिन पहले करबला से आया हूँ, एक जुमला हल्क तक आ गया है, उसी जुमले से गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि कायनात का सबसे बड़ा शहंशाह हुसैन है। ये जुमला मैंने आज से 6 साल पहले एक टेलीविजन चैनल पे कहा। किसी ने कहा किबला आपने ये कैसे कह दिया, मैंने कहा बगैर दलील के थोड़ी कहा है। पूरी कायनात में किसी शहंशाह के इतने मकान नहीं है जितने मेरे हुसैन के अजाखा ने। जो बोल सकते हैं वो मेरे साथ सफर करने की कोशिश कीजिएगा। पूरी कायनात में किसी शहंशाह के पास इतनी सवारियां नहीं है जितनी मेरे हुसैन के नाम की सवारियां मौजूद हैं। बात और आसान कर दूं, पूरी कायनात में किसी शहंशाह के नाम पे इतने लंगर नहीं चला करते जितने मेरे हुसैन के नाम पे चला करते। पूरी कायनात में किसी शहंशाह के नाम पे इतनी सबीले नहीं चलती जितनी मेरे हुसैन के नाम पे चला करती है। पूरी कायनात में किसी शहंशाह के इतने रजाकार नहीं है जितने मेरे हुसैन के आजादार मौजूद हैं। और एक बात बबांगे दोहल के रहा हूं कि अगर आदम से लेकर खातम तक तमाम अंबिया अकेले नहीं, अपनी पूरी उम्मतों समेत मेरे हुसैन के मेहमान हो जाए, तो मेरे शहंशाह के पास इतने घर हैं कि सबको जगा दे सकता है। मेरे शहंशाह के पास इतने लंगर हैं कि सबको खिला सकता है। मेरे शहंशाह के पास इतनी सबीले हैं कि सबको पिला सकता है। मेरे शहंशाह के पास इतने आजादार हैं कि सबकी खिदमत
करा सकता है, लेकिन अगर मेरा शहंशाह हुसैन कायनात में मौजूद अपने हुबदारों समेत किसी का मेहमान हो जाए तो सिवाय अल्लाह के किसी में ये ताकत नहीं है कि हुसैन की मेहमान नवाजी करके। सलामत हो, शादो आबाद रहो, मिल के हैदरी। अगर मेरा शहंशाह हुसैन कायनात में किसी का मेहमान हो जाए, हुसैन इब्ने अली की आजादारी वो मौजज़ा है जो आज तक दुनिया की समझ में आ ही नहीं सका। मैंने यकुम मुहर्रम को कराची अशरे में यह जुमला कहा था, दोहरा देता हूं। मैंने कहा इन दिनों में तुझे हुसैन के मुहर्रम में ही दलील नहीं मिल गई। मैंने मुहर्रम शुरू होने से पहले दुनिया के हर शोबे से वाबस्ता बंदे को चीखते चिल्लाते देखा था कि जी लॉकडाउन ने हमारी कमर तोड़ दी है, लॉकडाउन की वजह से हम गुर्बत की सतह से नीचे आ गए हैं, यह कोविड और लॉकडाउन की वजह से हमारी मईशत बैठ गई है। हुसैन ने कहा मेरी आजादारी के दिनों को शुरू होने दो, अगर अपने नियाज के खर्चे से तेरे मुल्क की मईशत को फड़हाल न कर दूं तो मैं हुसैन के साथ। अल्लाह अकबर, सलामत हो, शादो आबाद रहे। अगर मैं अपने, मुझे कोई बताए कि इस साल कोई एक मजलिस इस वजह से कम हुई हो कि जी हमने लॉकडाउन की वजह से साल न्याज कम किया। हुसैन इब्ने अली की राह में जो जितना लुटाता है हुसैन उससे कई गुना बढ़ के उसे अता करता है। खुदा ने ऐलान किया है कि मैं कायनात को रिस्क देता हूं। अब मुझे नहीं पता कि आप इस जुमले को कैसे वसूल करेंगे। आप में से आपने दुआ करवाई है, यकीनन परवरदिगार रास्तों को आसान फरमाए। और मैं जुमला तिलावत करने लगा, हो ही नहीं सकता कोई ऐसा बंदा मजमे में मौजूद हो जो अरबईन हुसैन की दहलीज पे सजदा कर आया और जुमला सुन के समझ के खामोश यहां से उठ के चला जाए। मैंने कहा खुदा ने ऐलान किया है कि मैं कायनात को रिस्क देता हूँ। अगर कोई इस्लाम की आइडियोलॉजी के बिल्कुल नावाकिफ हो और वो आके कहे कि जी हमें दलील दें कि खुदा कायनात को कैसे खिलाता है, तो दुनिया के पास मिसाल कौन सी है? चूंकि कससुल अंबिया वाले ने तो लिखा कि खुदा का एक नबी गुजरा है जिसका नाम हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद था। ये वाकया आपने बीसियों दफा उलमा खुतबा जाकरीन और वाइजीन से सुन रखा है। मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता, बस 30 सेकंड में वो वाकया आपके जहनों में दोहरा के मैं नतीजा देने लगा। सुलेमान इब्ने दाऊद ने कहा परवरदिगार एक दिन मुझे दे दे, मैं तेरी खुदाई को खिलाऊंगा। खुदा ने कहा सुलेमान देख ले, रिस्क देना मेरी जिम्मेदारी है। सुलेमान कायनात को खिलाना मुझे ज़ेब देता है। सुलेमान ने कहा नहीं मालिक, एक मौका देकर तो देखे। खुदा ने कहा ठीक है सुलेमान, कोशिश कर ले। सुलेमान इब्ने दाऊद ने 6 महीने तक खाना जमा किया। कससुल अंबिया वाला लिखता है पहाड़ों जितने अंबार गिजा के लगा दिए। 6 महीने बाद कहता है मालिक अब मैंने तैयारी मुकम्मल कर ली है, अब तेरी मखलूक को कल के दिन मैं खिलाऊंगा। अगला दिन हुआ, इधर फजर का वक्त होने लगा। सुलेमान इब्ने दाऊद मुतमईन के मैंने इतनी तैयारी की है, मैं कायनात को खिलाऊंगा। इधर एक मछली सुलेमान इब्ने दाऊद के करीब आई। ये जितने सफेद रीश बुजुर्ग बैठे हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे, उन्होंने बुजुर्ग उलमा खुतबा से ये वाकया सुन रखा है कि जैसे मछली आई ना सुलेमान इब्ने दाऊद को कहती है आज कायनात को तू खिलाएगा। सुलेमान ने कहा बिल्कुल, देख के कहती है कोई इंतजाम भी किया है? कहता है देख नहीं रही, मैंने ये अंबार लगा दिए हैं खाने के, ये पहाड़ बने हुए हैं गिजा के। मछली ने कहा अच्छा, क्या आप मुझे खिला सकते? सुलेमान ने कहा क्या खा लेगी तू? कससुल अंबिया वाला लिखता है इधर उस मछली ने मुंह खोला, जो उसने 6 महीने में जमा किया था वो उस मछली का एक लुकमा बना। देख के कहती है मुझे तो खिला नहीं सकता, कायनात को कहां से खिलाएगा? सुलेमान हाथ बांध के कहता है मालिक
बस कायनात को तू ही खिला सकता है। अब कायनात के पास मिसाल ही नहीं है, मिसालें ही दो है, या दुनिया को खुदा खिलाता है या कायनात को करबला में हुसैन खिलाता। सलामत हो, शादो आबाद रहे, सलामत हो, शादो आबाद रहे। मैं मुतमईन हूं आपकी समाज। अल्लाह अकबर, यानी नाराबाद जमात लगाए मिलके, हैदरी जिंदाबाद रहे। अल्लाह अकबर, या कायनात को खुदा खिला सक, या कायनात को मेरा मालिक हुसैन खिला सक। अल्लाह अकबर, वो शहनशाह हुसैन इब्ने अली। और आज मैं तो इस्लामाबाद से चला हूं, ये रास्ते में इस्लामाबाद शहर में मैंने दरगाहें सजती देखी, हर जगह लोग मीलाद की तैयारियां कर रहे हैं। मैं हर पिछले साल भी मैंने पाकिस्तान के हर मेंबर से कहा था, या फिर जुमला दोहरा रहा हूं, मैंने कहा दो जलूस मुसलमान निकालते हैं, एक मुहर्रम और सफर में निकला है, 8 रबी अव्वल तक निकलेंगे, वो जलूस होते हैं हुसैन इब्ने अली के, एक जलूस निकलेंगे रबी अव्वल की 8 के बाद, वो जलूस होंगे हुसैन के नाना के। अब मुझे नहीं पता इस जुमले को कैसे महसूस करेंगे, मुझे पता है मैं पढ़ यहां रहा हूं लेकिन यहां के लिए नहीं पढ़ रहा। आजकल एक मिनट में जुमला न जाने दुनिया में फैल जाता है। अगर कोई सुन्नी भाई सुन रहा है तो हुसैन की मजलिस का पैगाम सुने, नहीं तो कल किसी एक सुन्नी भाई को सुनाइएगा कि मैं हुसैन की मजलिस से ये जुमला सुन के आया हूं। मैंने कहा मुहर्रम और सफर, हुसैन का आशूर वाला जुलूस, हुसैन का अरबईन वाला जुलूस, ये दोनों जलूस हुसैन की फतह का ऐलान नहीं, मुस्तफा की फतह का ऐलान है। मैं कुछ कह रहा हूं, दरी नहीं, जो परेशान हो गए ना उनकी परेशानी अभी हल होने लगी है। मैंने कहा हुसैन का आशूर वाला जलूस भी मुस्तफा की फतह का ऐलान था, हुसैन का अरबईन वाला जलूस भी मुस्तफा की फतह का ऐलान था। कोई कह सकता है कि अगर वो मुस्तफा की फतह के ऐलान थे तो फिर हुसैन की फतह का ऐलान कब होगा? मैंने कहा अभी रबी अव्वल शुरू हुआ है ना, 8 के बाद सारे मुसलमान नबी की आमद का जलूस निकालेंगे, वो होगा हुसैन की फतह का जलूस। चूंकि कायनात में शिया सुन्नी नबी की आमद का जलूस निकाल के दुनिया को बताएंगे कि करबला में यजीद का दादा नहीं जीता था बल्कि मोहम्मद का बेटा जीता था। अल्लाह अकबर, सलामत हो, शादो आबाद। अल्लाह अकबर, कायनात में मुस्तफा का बेटा जी, जो मुस्तफा दे उसे ले लो, और यही पूरा दीन है। अल्लाह अकबर। और मैं बात करने लगा हूं, ये सिर्फ शिया नहीं, जो हमारे अहले सुन्नत भाई भी है ना, अल्लाह अकबर, वो भी दिन में जब 5 दफा नमाज के लिए मुसल्ला इबादत पे जाते हैं ना, तो दिन में 5 दफा मेरे मुस्तफा मौला से वो 2 उम्मीदें लगा के 2 दुआएं करते हैं। अगर कोई सुन्नी भाई बैठा है मेरी बात की तायद करेगा, क्योंकि मुझे जितना दरूद पढ़ने वाला मजलिस में शिया अजीज है, उतना अपनी अजान से पहले अपना स्पीकर खोल के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहने वाला अजीज है। अल्लाह अकबर, हमारे सुन्नी भाई भी ये दुआ करते हैं, शिया भी ये दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? दिन में 5 दफा जब मुसल्ला इबादत पे जाते हैं, नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, जहां हश्र के मैदान में हर कोई प्यास की वजह से बिलख रहा होगा, या रसूल अल्लाह वहां आप हमें कोसर पिलाइएगा। दूसरा, या रसूल अल्लाह, जहां बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, जहां भाई भाई का
मददगार नहीं बनेगा, वहां आप हमारी शफात कीजिएगा। ये दो दुआएं हर मुसलमान नबी से मांगता है, एक या रसूल अल्लाह हमें कौसर पिलाइएगा, दूसरा या रसूल अल्लाह हमारी शफात कीजिएगा। मैंने कहा मुसलमान तेरी ये मुस्तफा से इश्क की दलील है, लेकिन मेरे नबी तो फैसला दुनिया में ही सुना के गए थे। अगर कोई कहे वो कैसे, मैंने कहा याद कर जब नबी बतूल के सहने तौहीद में एक चादर को ओढ़ के सोने लगे थे, इतने में कुछ देर के बाद अली की दस्तार का वारिस मोहम्मद मुस्तफा का बड़ा बेटा मेरा मौला हसन आया था। मेरे मौला हसन ने किया था अपने नाना को सलाम। नबी ने जवाब में ये सिर्फ नहीं कहा कि बेटे तुझ पे भी मेरा सलाम, बल्कि मुस्तफा ने कहा अलैका सलाम या साहिब हौजी, ए हौजे कौसर के मालिक हसन तुझ पे भी मेरा सलाम। अल्लाह अकबर। नतीजा बड़ा लतीफ है। मैं शिया सुन्नी आशिकाने रसूल खुदा से इस जुमले पे दुआ लेने लगा हूं। हर मुसलमान दुआ करता है एक कौसर चाहिए, एक शफात चाहिए। नबी के पास जब हसन सलाम करने आए तो नबी कहते अलैका सलाम या साहिब हौजी, ए हौजे कौसर के मालिक हसन तुझ पे मेरा सलाम। कुछ देर के बाद जब हुसैन तशरीफ लाए, नबी ने का अलैका सलाम या शाफे उम्मती, ए उम्मत की शफात करने वाले हुसैन तुझ पे मेरा सलाम। दुनिया मुस्तफा से कौसर भी मांगती है, दुनिया मुस्तफा से शफात भी मांगती है। नबी ने कौसर का मालिक हसन को बना दिया, शफात का मालिक हुसैन को बना दिया। मुस्तफा ने फैसला दे दिया कि अगर कौसर चाहिए तो हसन का दामन थाम लो, अगर शफात चाहिए तो हुसैन के दरवाजे पे आ जाओ। सलामत हो, शादो आबाद रहो, जिंदाबाद रहो यार। अगर कौसर चाहिए, अब मेरी तरफ तवज्जो करें, इंशाल्लाह खैर है। अगर कौसर चाहिए तो हसन का दामन थाम लो, अगर शफात चाहिए तो हुसैन के दरवाजे पे। हमने झूठ बोलने वाले दरबारों में बैठ के तारीखें लिखने वालों से मुस्तफा की इज्जत नहीं ली, हमने मोहम्मद के बेटों से मुस्तफा की इज्जत ली है। सलावात पढ़े सब मिलकर बाबा से बलन। और तवज्जो मेरी तरफ करें। और एक जुमला मैंने आज से 2 साल पहले कहा, अमार भाई गवाह हैं, वो पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में उस जुमले पे दुआएं इस गरीब के तकसीर को भी नहीं। आज से 2 साल पहले मैंने कहा था कि तू मुसलमानों के बच्चों को गुमराह करने के लिए कहता है कि जी शियों को इज्जत मुस्तफ़ा पढ़ने का सलीका नहीं आता। मैंने कहा हाँ हमारी मजबूरी है, हम तेरी तरह मुस्तफ़ा के फजाइल पढ़ भी नहीं सकते, वो इसलिए चूँकि हम वो नहीं है जिनकी किताबों ने आज भी नबी के मां बाप को काफिर लिखा हो। मैं मिंबर से कह रहा हूं, हम वो नहीं है जिनकी किताबों ने आज भी नबी के मां बाप को काफिर लिखा हो। बस छोड़ दें, आवाज आ रही है, इसे बाद में दुरुस्त कर लीजिएगा। मेरे भाई से रहने दें, जो जहां है फिर बाद में उसे दुरुस्त कर लीजिएगा। आप तवज्जो मेरी तरफ करें, तवील सफर करना है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा हम वो नहीं है जिनकी किताबों ने नबी के माँ बाप को काफिर लिखा हो। एक पैगाम देना चाहता हूं। मैंने कहा हम नबी की फजीलत पढ़ते हैं, लेकिन मोहम्मद के बेटों से सुन के मुस्तफा की फजीलत मुस्तफा के गुस्ताखों से सुन के कभी नहीं पढ़ते। मैंने कहा अगर हम अपने मिंबर से
अल्लाह अकबर। ये पिछले साल के मीलादों में अक्सर खुतबा ज़ाकिरीन ने जुमला दोहराया, बड़ी खुशी हुई। दो साल पहले वो सोशल मीडिया पे न जाने कितनी दुआएं इस जुमले पे इस गरी के तकसीर ने समेटी। मैंने कहा अगर हम अपने मिंबर से नबी की शान पढ़ना शुरू करेंगे ना तो हम दुनिया को मुस्तफा के बाबा हजरत अब्दुल्ला की इज्जत भी सुनाएंगे, हम दुनिया को नबी की वालिदा सैयदा आमिना की इज्जत भी सुनाएंगे। जब हम अपने मिंबर से नबी पढ़ेंगे तो हम दुनिया को मुस्तफा को लोरियां सुनाने वाले हजरत अबू तालिब की इज्जत भी सुनाएंगे। और हम तो इस अकीदे के चले, बात आ गई है तो जुमला कहता हूं आगे बढ़ता हूं, जिसका अकीदा मेरे साथ सफर कर सकता है वो मेरे साथ सफर कीजिएगा। मैंने कहा हम अब उस दौर से गुजर चुके हैं कि हम अपने मिंबर पे बैठ के अली के बाबा के ईमान के साबित करने के हवाले से गुफ्तगू करें। हम तो अली के बाबा के फजाइल पढ़ते पूरी जिम्मेदारी के साथ हदीस तिलावत करने लगा हूं। कुरान के छठे वारिस तेरे सादिक मौला फरमाते जब हश्र के मैदान में हमारे दादा अबू तालिब आने लगेंगे ना तो फरिश्ते अपनी आंखों पे पर्दे के कहेंगे मालिक ये इतना नूर कहीं तूने अपने चेहरे से पर्दा तो नहीं हटा लिया। अल्लाह अकबर। सलामत हो, शादो आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। कहीं तूने अपने चेहरे से पर्दा तो नहीं हटा लिया। अल्लाह अकबर। मार सकते कट सकते अकीदे पे समझौता नहीं। और मैं तो उस शहनशाह की धरती से आया हूं जिस सेवन के शहनशाह ने सिंध में आके पहुंचाई ही विलायत है। हाँ, कलंदर ने ऐलान कर दिया है हमसे उसका ताल्लुक ही नहीं है जो अली की विलायत में शक करता हो। किसी ने मासूम से पूछा था मौला अगर किसी के सामने आपके दादा अली के फजाइल पढ़े जाएं और वो सुन के खुशी महसूस करे मौला उसे क्या मिलता है। अब मुझे नहीं पता मासूम के फरमान का इस्तकबाल आप कैसे करेंगे। इमाम फरमाते इधर वो हमारे फजाइल सुन के खुश होता है, उधर फरिश्ते उसके शजरे के कसीदे शुरू कर देते। अल्लाह अकबर। सलामत और शादो आबाद रहे। उधर फरिश्ते उसके शजरे के कसीदे, चूंकि शजरा होता ही उसी का सही है जो अली की विलायत में कायम हो, जो अली की विलायत में शक करता हो उसका शजरा कभी सही हो ही नहीं सकता। एक इशारा करूं, आए दरी, कम से कम तीन किताबें अपने पास महफूज रखता हूं। मदीने का शहर, एक दरवाजा खुलो, एक जवान घर से बाहर आया मदीने के लोगों को मुखातिब करके कहता है आप मेरे बाप की तकवा से वाकिफ है? सबने कहा जी। का मेरी माँ की शराफत से वाकिफ है? सबने कहा जी बिल्कुल, हम मिसालें देते। जब उसने लोगों से इकरार करा लिया ना कि मेरा बाप भी मुत्तकी है, मेरी माँ भी शरीफा है, अब वो देख के कहता है नबी ने कहा था कि अली से दुश्मनी खबीस शजरे वाला करता है। सबने कहा बिल्कुल। देख के कहता है फिर आप कह रहे हैं कि मेरा बाप भी मुत्तकी है, मेरी माँ भी शरीफा है और मैं कह रहा हूं मैं अली का दुश्मन हूं। जैसे यहां कुछ बंदे परेशान हो गए ना, वैसे वहां, अरे दरी, वैसे वहां। जी फिदा हुसैन मोमिन है, उनकी वालदा के आंखों का ऑपरेशन हुआ है, जनाब सैयदा उन्हें शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। और जो मन्नत दुर सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से उन्होंने बनवाए, मेरी मालिकन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर। वो देख के कहता है जैसे आप परेशान हो गए ना तवज्जो मेरी तरफ करें, वैसे वहां कुछ लोग क्या रहा है, जैसे मदीने के लोग परेशान हुए ना, या इतने में इसके घर का दरवाजा फिर खुला, इसका बाप घर से बाहर आया, देख के कहता है अगर ये नबी की हदीस के खिलाफ जुबान न खोलता तो मैं इसका शजरा भी न खोलता।
अल्लाह अकबर। मिंबर है मैं वजाद नहीं करूंगा, मैं इशारा करके गुजरने लगा हूँ, जिनकी तारीख पे नजर है वो पहुंच जाएंगे। अगर ये नबी की हदीस की मुखालिफत न करता तो मैं इसका शजरा भी न खोलता। इसने अली की दुश्मनी का ऐलान किया है ना, तो फिर मैं आपको बताने लगा हूं कि ये जो अली की दुश्मनी का दावा कर रहा है ना, ये मेरे निकाह का नहीं, मेरे गुनाह का नतीजा है। अल्लाह अकबर। जो खानदानी शिया है वो इशारा समझ के चुप कर जाए, मैं मानता ही नहीं, ना नारा आएगा नतीजे पे। मैं देखता हूँ कौन सा शिया है जो नारे के बगैर अपनी आवाज को अपने सीने में समा लेता है। ये मेरे निकाह का नहीं, मेरे गुनाह का नतीजा है। एक बात तो वाजे हो गई है, इशारा बात खोलूंगा बिल्कुल भी नहीं, न मुल्की हालात इजाजत देते। मैंने कहा कि वो कह रहा था मेरा बाप भी शरीफ है, मेरी माँ भी शरीफ है, और बाप ने ऐलान किया ये मेरे गुनाह का नतीजा है। तो एक बात तो वाज़े हो गई कि अगर दिल में अली न हो तो बाप शरीफ भी हो तो बेटा मलून हुआ करता है, और अगर दिल में अली हो तो बाप मलून भी हो तो अली कहता है ये तो मेरा बेटा है। अल्लाह अकबर। जो पहुंचा है उसे मैं सलाम कर रहा हूं, जो नहीं पहुंचा वो बराबर वाले से पूछिएगा मैंने कहा क्या। अल्लाह अकबर। सलामत हो, शाद हो आबाद। अगर दिल में अली हो तो बाप चाहे कैसा, बाप मलून भी हो तो बेटा वहां पहुंच जाता कि अली कहता है ये तो मेरा बेटा। अल्लाह अकबर। अली की विलायत शजरों की जमानत, अपनी मर्जी से कह रहा हूं। फिर एक इशारा करने लगा, यार बात खोलने पे मजबूर न कीजिएगा, और मुल्की हालात इजाजत देते ही नहीं, आधी आधी रात को सफर कर रहे होते हैं इतना, और कराची जैसे हसास शहर में रहते हैं, बस इशारे पे पहुंचिएगा। मैंने ये जुमला पाशरे मुहर्रम में गादा, न जाने यहाँ से कोई 20 गुना ज्यादा मजमा था, और कितनी दुआएं मैंने समेटी हैं। यहाँ से मैं देखता हूँ कि कौन बुजुर्ग है जो दुआ दिए बगैर यहाँ से उठता है। मैंने कहा यह मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे मालिक अली ने एक बंद कमरे में बैठे हुए कुछ खुद साख्ता दीन के ठेकेदारों के सामने, न जाने कौन पहुंच रहा है यार, कुछ खुद साख्ता, चूंकि ये अली की विलायत के खिलाफ जब भी साजिशें हुई हैं ना अक्सर बंद कमरों में ही हुई हैं। मैं कुछ कह रहा हूं यार, चाहे वो उस दौर का बंद कमरा हो या आज के दौर का कराची का बंद कमरा हो, जहां कुछ नस्ले हराम बैठ के इंसानों जैसी तो शक्लें ही नहीं है कि मैं उनके नाम मिंबर से लूं, न जाने कोई जानवरों जैसी शक्ल लेके अगर कोई अली की विलायत के खिलाफ बकवास करे ना कि जी अली की विलायत ये दहशतगर्दी है, हम अदालतों में जाएंगे। मैंने कहा हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो जुर्रत करे और पाकिस्तान की किसी अदालत में आए। अब एक जुमला कहने लगा हूं, इस पे मुझे नहीं पता कौन ताईद करेगा, जो ताईद करेगा वो अपना हक अदा करेगा, चूंकि मैंने कब्र में चेहरा अली को दिखाना है। मैंने हर मिंबर से कहा कभी दुश्मन को अली की विलायत के खिलाफ बोलने की जुर्रत ना होती। अगर हमारे कुछ अपनों ने अली की विलायत को बिद्दत न कहा होता, ये जो हाथ उठे अब मुझे उन हाथों के लिए दुआएं निकली हैं जुबान से, कभी दुश्मन को जुर्रत न होती। अगर मुझे पता है मैं कराची से आया हूं, हम पे अली की विलायत हुज्जत है, हम पे कोई लिबास हुज्जत नहीं। मैं जुमला कहने लगा हूं, मैंने कहा अगर हमारे मिंबर से अली की विलायत को इंफिरादी मसाला न कहा गया होता तो किसी गैर को जुर्रत न होती कि वो अली की विलायत के खिलाफ बोले। लेकिन अगर तूने बोले आए ना, हम तेरा खैर मकदम करते हैं, तूने जुर्रत की है, आप पाकिस्तान की किसी भी अदालत में आ जाओ, सिर्फ अली की विलायत नहीं, अली की विलायत से लेके हम अपनी तशय्यों के वुजू और तयम्मम के मसाइल से लेके आजादारी की हर सिंफ, चाहे वो जंजीर जनी हो,
चाहे वो कमाजनी हो, चाहे वो गिरियाओ हो पुकाओ, उससे लेके अली की विलायत वाजिब दर अजान, दर अकामत, दर नमाज, दर तशहुद से लेके अपनी शियत के हर मसाले पे, चाहे फिर बात होगी तो फिर बात नबी की बेटियों की भी होगी, जब बात होगी तो फिर बात फातिमा की विरासत की भी होगी, जब बात होगी तो फिर बात मुस्तफा के जनाजे की भी होगी। हम तो तुझे दावत देते कि पाकिस्तान की किसी भी अदालत में आ जाओ, ताकि हम भी तो दुनिया को बताएं कि रहमतुल्ला कौन थे और लानतुल्ला कौन। जिंदाबाद रहे, सलामत शाल मिल के हाय दरी अल्लाह अकबर। ये बात जहन में रहे, मैंने कहा ये बंद कमरों में साजिशें होती हैं। वहां अरब के एक बंद कमरे में बैठ के कुछ लोगों ने, मुझे उनके नाम नहीं आते, एक बंदे को अली ने मुखातिब किया। उस बंदे का नाम तो बिल्कुल भी नहीं आता, आता भी होता तो मिंबर से न लेता, क्योंकि ये मुल्तान में गरीब सो रहे ना विलायत के मुबल्लिग, वो न जाने पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने विलायत का पैगाम पहुंचाया था, उनका एक जुमला उनकी रूह की बुलंदी दर्जात के लिए दोहरा देता हूँ। वो कहा करते थे कि ऐसे नाम हम मिंबर से लिया ही नहीं करते, जो नाम तो कन्फर्म है लेकिन वल्दियत मशकूक है, ऐसी वल्दियत मशकूक वाले नाम हम मिंबर से नहीं। बात जुमला महसूस कीजिएगा, अली ने एक बंदे की आंखों में आंखें डाली, उस बंदे का नाम तारीख में मौजूद है, जाके देख लीजिएगा। अली उसकी आंखों में आंखें डाल के कहते एक बात तो बताओ, काबा में मैं आया था या तेरी विलादत हुई थी। अली बादशाह के खुतबे का जुमला ना हो मैं मुजरिम, ये अगर खुतबे का तर्जुमा भी मैं दोहरा दूं ना तो 40 मिनट उसमें लग जाने, बस दो चार जुमले दोहरा के मैं नतीजा देने लगा हूं। जो बात जहां से चली है, अली देख के कहते एक बात तो बता, काबा में मैं आया था या तेरी विलादत हुई थी। देख के कहता या अली आपकी आमद हुई थी। अली देख के कहते नबी 3 दिन बाद काबा से मुझे लेने आए थे या तुझे लेने आए थे? नबी ने पहली गिजा लुआबे दहन मुझे दी थी या तुझे दी थी? अली अपनी खासियतें खासियतें फजाइल गिनवाते चले जा रहे, एक बात बता, नबी अपने हाथों से मेरा झूला झुलाते रहे थे या तेरा झूला झुलाते रहे थे? नबी अपनी जुबान से मुझे लोरियां सुनाते रहे थे या तुझे लोरियां सुनाते रहे थे? नबी से इल्म जैसे चिड़िया अपने बच्चे को दाना देती है, वैसे नबी ने इल्म मुझे दिया था या तुझे दिया था? देख के कहता या अली आपको दिया था। अली बादशाह का खुतबा एक जुमला असगर नकवी का नहीं, अली ने जो खुतबा एहतजाज पढ़ा है ना उन अरब के खुद साख्ता इस्लाम के ठेकेदारों के सामने, अली इसकी आंखों में आंखें डाल के कहते एक बात तो बताओ, जब नबी ने तौहीद की तबलीग की पहली दावत का एहतमाम करना चाहा था, वो दावत मेरे घर में हुई थी या तेरे घर में हुई थी? देख के कहता या अली आपके घर में? अली कहते उस दावत का तमाम मेरे बाप ने किया था या तेरे बाप ने किया था? अली देख के कहते एक बात तो बताओ, जब नबी ने कहा था कौन है जो मेरी मदद करे, वहां मुस्तफा की नुसरत का ऐलान मैंने किया था या तूने किया था? नबी ने कहा था तू मेरा भाई, मेरा वसी, मेरा वजीर, मेरा खलीफा है, ये नबी ने मुझे कहा था या तुझे कहा था? देख के कहता या अली आपको कहा था? अली कहते अच्छा तू ये भी छोड़, ये तो बता, जब नबी ताइफ के मैदान में तबलीग के लिए चले थे तब मुस्तफा के साथ मुस्तफा की मदद और नुसरत के लिए बचपन में मैं चला था या तू चला था? कहता या अली आप गए थे? अली कहते जिसने अपनी खजूर की गुठलियों से काफिरों के बच्चों के हाथ तोड़ दिए थे, वो मैं अली था या वो तू था? कहता या अली वो आप थे?
अली कहते हैं अच्छा ये भी छोड़, एक बात तो बताओ, नबी ने हिजरत की शब बिस्तर पे मुझे सुलाया था या तुझे सुलाया था? कहता या अली आपको सुलाया था। अली कहते हैं जहां जिसकी सवारी बैठी थी और मस्जिद नबवी की बुनियादें उठी थी वो मेरी सवारी थी या वो तेरी सवारी थी? कहता या अली वो आपकी सवारी थी। अली कहते अच्छा एक बात तो याद कर, जब कुरान की आयत उतरी थी और तूने 9 दफा मेरे मौला मुस्तफा से उस आयत की तशरीह के लिए सवाल किया था तो उस आयत के जवाब में नबी ने सिरात मुस्तकीम मुझे कहा था या तुझे कहा था? कहता या अली आपको कहा था। अली कहते अच्छा एक बात तो बताओ, नबी ने अपना भाई मुझे बनाया था या तुझे बनाया था? कहता या अली आपको बनाया था। अली कहते अच्छा ये भी छोड़ एक बात तो बताओ, वो खंदक के मैदान में मुस्तफा ने कुल्ले ईमान मुझे कहा था या तुझे कहा था? जो जवान सोशल मीडिया चलाते हैं ना, इतना हवास बाख्ता हो गया है अली का दुश्मन कि वो अपने पीर को आज भी कह रहा है कि वो मर्द नहीं वो जिन्स मुअन्निस था, वो अपने पीर की जिन्स ही बदल देता है। मैं बात खोलूंगा नहीं, जो सोशल मीडिया चलाते हैं वो पहुंच रहे हैं। वो मैंने कहा अली देख के कहते एक बात तो बताओ, खैबर के मैदान में जहां तुम इतनी दाढ़ियां लेके खड़े थे वहां नबी ने मर्द मुझे कहा था या तुझे कहा था? देख के कहता या अली आपको कहा था। अली कहते अच्छा एक वक्त तो याद कर, जब ओहद के मैदान में तू शैतान का ऐलान सुन के भागने लगा था वहां नबी को हाथों में उठा के मुस्तफा की जिंदगी का ऐलान मैंने किया था या तूने? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, नारा आएगा, नारा आखिर में इज्तमाई आएगा इंशाल्लाह, तारीखी नारा होगा वो आज की मजलिस का। नतीजे पे हो खानदानी शिया चुप कर जाए मैं मानता ही नहीं। अली कहते ये भी छोड़ एक बात तो बताओ, नबी ने कसीमुन नार वल जन्ना मुझे कहा था या तुझे कहा था? देख के कहता या अली आपको। अली का खुतबा असगर नकवी का एक जुमला नहीं, ये खुतबा एहतजाज जो अली ने उस में पड़ा है। अली उसे लोगों के सामने जलील करते जा रहे, वो नजरें झुकाता जा रहा है। अली आंखों में आंखें डाल के कहते एक बात तो बता, नबी ने शजरे की सही होने की सनद मेरी मोहब्बत को करार दिया था या तेरी मोहब्बत को करार दिया था? कहता या अली आपकी मोहब्बत को करार दिया था। अली कहते अच्छा ये भी छोड़ एक बात तो बताओ, नबी ने फतह मक्का के, मैंने पूरा खुतबा छोड़ दिया बस नतीजा वसूल करें, नबी ने फतह मक्का के मौके पर अपने कंधों पे सवार करा के बुत मुझसे तोड़वाए थे या तुझसे तोड़वाए थे? कहता या अली आपने तोड़े थे। अली कहते खतीर खुम के मैदान में अल्लाह वाले हाथों से नबी ने मुझे उठाया था या तुझे उठाया था? अल्लाह वाली जुबान से मुस्तफा ने मेरी विलायत का ऐलान किया था या तेरी विलायत का ऐलान किया था? अब मैं देखने लगा हूं कौन इशारे पे वसूल करके मुझे दुआ पहुंचाता है मिंबर तक। अली कहते तू सारी बातें छोड़, बस मुझे एक बात बता, नबी के ऐलान रिसालत से पहले निकाहों का रिवाज हमारे धर्म में था या तुम्हारे घर? सलामत हो शादो आबाद रहे, जो पहुंचे उन्हें मैं सलाम कर रहा हूं, आखिरी बंदे तक मिल के हैदरी हैदरी जिंदाबाद रहे, शादो आबाद रहे, अली के शिया अल्लाह अकबर। जिंदाबाद इमरान का चंद सारी जिंदगी है, तू मन ना मन साकू मना दे। वाह वाह
इमरान दा चन सारी जिंदगी है तो तू मन ना मन साकू मनन ता दे ए नाम अली नमाज दे विच उमर ने तू ना भी आगे साकू गिनन ता दे जिंदाबाद जिंदाबाद बतूल दा शौहर दी नालैन बतूल दा शौहर दी बतू ना भी अचुम साकू चुमन ता दे ओ जेला दुश्मन माला अली दा है खूंदा मड़का ही मुरीद को बनना वाह वाह मिल गए हैदरी। बुजुर्गों ने एक बात का ऐलान कर दिया कि अगर दिल में अली हो तो उमर का असर नहीं होता। खुदा जिंदगी दराज फरमाए। ये मारिफत सलामत है, ये बुजुर्गी जिंदाबाद रहे। अल्लाह अकबर, जिनके बुजुर्ग ऐसे जवान है। अल्लाह अकबर, ये कोई हमारा कमाल दो। ये जब अल्लाह अकबर जुमला सुनिएगा, ये अली के इश्क का नतीजा है। अगर कोई इनके इश्क में डूब जाए ना, फिर उन्हें जवानी कैसे अदा होती है। यही तो वजह है। मसाइद नहीं पड़ा, फजाइल के रंग में जुमले को वसूल कीजिएगा। जब सरकारे हबीब इब्ने मजाहिर 10 मुहर्रम के दिन पहुंचे ना, या इधर से कमर नून की तरह झुकी हुई वो इतनी उम्र के जैसे पहुंचे, इधर से जैसे पहला नेजा हबीब के पहलू में लगाए ना, एक सिपाही देख के कहता है हबीब क्या जरूरत थी इस बुढ़ापे में नेजे खाने की। हबीब ने नेजा अपने पहलू से खींचा, अपनी कमर को सीधा करके कहता क्या कह रहा था तू कि मैं बुढ़ापे में लड़ने आया हूं, तुझे पता नहीं हबीब तो जवान ही आज हुआ है। अल्लाह अकबर, सलामत शादो आबाद रहो। मैंने हुसैन की मोहब्बत में नेजा, हबीब ने तो जवानी का जौहर ही आज देखा। अल्लाह अकबर, अली की विलायत जवानी आता था। मर जाना कट जाना अली की विलायत पे समझौता न कर, हुसैन की अजादारी पे समझौता न कर। ये पैगाम है मजलिस का, तशय्यो का जिम्मेदार फर्द होने के नाते। हमने ना अजादारी किसी के कहने पे शुरू की थी। हल्के के मातमी है वो मेरे साथ मेरी ताईद करें, न किसी के कहने पे छोड़ेंगे। लाख नजिस जुबाने वो बेगानी हो या अपनी, हुसैन के मातम के खिलाफ बोलती रहे, हम अहमियत ही नहीं देते, चूंकि हुसैन का मातम हमारी जिंदगी का मकसद है। अल्लाह अकबर, मैंने एक जुमला कहा है, न जाने कौन पहुंचे यार। मैंने पहले कहा है ना, मैंने कब्र में चेहरा अली को दिखाना, समेट भी रहा हूं गुफ्तगू को। काफी पढ़ने वाले जाकिरीन मौजूद है। अल्लाह अकबर, कब्र में आप में से तो किसी ने नहीं आना, कब्र में अली ने आना। और अगर अली पूछ ले जब जुबाने मेरे हुसैन के मातम के खिलाफ खुल रही, तुझे मिंबर मैंने इसलिए दिया था कि तू उनसे भी मसलियतों का शिकार हो जाए। ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा ना कि अगली दफा कोई सुनेगा नहीं, यहाँ बुलाएगा नहीं। लेकिन अगर अल्लाह अकबर, और मैंने एक जुमला मार भाई उस दिन कहा कि आजकल ज्यादा से ज्यादा ये है ना कि कोई अगर इन बंदों के खिलाफ बोले तो जी उनको फुला जिले में बंद करा देना, फुला जगह जुबान बंदी करा देना। मैंने कहा तू दुनिया से भी बंद करा देना तो हम अली के कदमों में सजदा करके अली के फजाइल पढ़ेंगे। तूने अभी इस कौम के मिजाज को समझाई नहीं है। अगर मिंबर हमें सूली का मिल जाए ना तो फिर विलायत की वकालत करने का लुत्फ ही अपना होता है। ये जिंदगियां गुजारने का सलीका हमने फातिह शाम बीबी से सीखा है। चूंकि हुसैन ने तौहीद बचाई थी सिपाहियों के सामने, और आलिया ने विलायत बचाई थी यजीद के सामने। यजीद के दरबार में अली की बेटी ने विलायत पढ़ के बताया था कि अगर दरबार यजीद का भी हो तब भी विलायत की वकालत से इनहराफ नहीं किया जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तब भी अली की विलायत डंके की चोट पे पड़ी। अल्लाह अकबर। और ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, अपनी मर्जी की जो भी किताब जिसमें सैयदा का खुतबा लिखा हो ना,
मेरी फातिहा शाम मालिकिन का वो पढ़ के देख लीजिएगा। आका जादी के नहीं तो फिर बानियान से गईगा, या जिसके पास नंबर हो मैं किताब का स्कैन व्हाट्सएप करने के लिए आमादा हूँ। आजकल डिजिटल दौर हो गया है, हर हवाला पहुंचाना बड़ा आसान है। अली की बेटी ने यजीद के दरबार में खड़े होकर कहा था, मुझे नहीं पता, मैं अक्सर मजलिसों में कहता हूँ कि एक होता है तबर्रुक, जब वो मजलिस के बाद बटेगा ना, जो अभी भी बट रहा होगा वो शिया सुन्नी सिख ईसाई हिंदू देवबंदी जो आता है हर कोई खाता है, लेकिन एक होती है हाजिरी, वो हर किसी के लिए नहीं होती, वो किसी किसी के लिए होती है। तो जो अकीदे की हाजिरी खाने की इस्तेआत रखता है ना वो सर उठाए। आखिरी दो जुमले पैगाम और मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। मैंने कहा ये अली की बेटी ने यजीद के दरबार में कहा था, ओ यजीद अगर तेरे इन सिपाहियों की जुबानों पे मेरे बाबा अली की विलायत जारी हो जाती ना तो मेरा भाई हुसैन करबला में शहीद ही ना होता। अली अब मैं फैसला देने लगा, मुझे नहीं पता कौन मेरे साथ चलेगा। अली की बेटी ने कहा अगर मेरे बाबा अली की विलायत तेरे सिपाहियों की जुबानों पे जारी हो जाती तो मेरा भाई करबला में शहीद ही ना होता। शाम की फातिहा ने फैसला दे दिया कि कल का दौर हो या आज का, जिसकी जुबान पे भी अली की विलायत जारी न हो वो हुसैन के कत्ल में शरीक हुआ करता। अल्लाह अकबर। जो भी अली की विलायत मुझे नहीं, एक बात अभी बुजुर्गों ने भी नारा लगाया, मैंने देखा कुछ बंदों ने जवाब दिया कुछ ने नहीं, अभी यहां से भी नारा लगा, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं जो नारा है विलायत का, इन्हें एक मिनट में वाजे कर दूं ना, जो नारा है विलायत का जवाब देते हुए हिचकिचाते ना वो दो में से कोई एक होते, या वो नुसैरी होते या वो मुकसर होते, या अली, चूंकि शियों की तो बुनियाद ही अली की विलायत पे। मैं आपको मिंबर से कह रहा हूं अगर कोई नुसैरी है तो वो भी अली की विलायत का नारा न लगाए, अगर कोई मुकसर है तो वो भी न लगाए, लेकिन जो अली का शिया है, जो अली को अल्लाह का वली मानता है, अली को अल्लाह नहीं मानता, वो तो अली की विलायत का ऐलान करे, दुनिया को बताए कि हम नुसैरी नहीं, हम अली के मवाली, अली की विलायत के कायल। जो नबी ने गदीर में विलायत दी थी उसकी विलायत के यकीन के साथ सजदा रेज होने वाले वो दोनों हाथों को बुलंद करके अपने की देखा ऐलान करे, मिलके नाराए विलायत, नाराए विलायत, नाराए विलायत, मिलके हैदरी। हुसैन की आजादारी पे कोई समझौते यार, और कोई खुद को इस कौम का वारिस बनाने की कोशिश ना करे। इस कौम के हकीकी वारिस हुसैन के मातमी हैं। मिंबर से कह रहा हूं आजादारी की हर सिंफ की बुनियाद या अली की आलिया ने रखी है या हुसैन के सज्जाद ने रखी है। मिंबर से कह रहा हूं आजादारी की हर सिंफ की बुनियाद ये जो आप मातमी जलूस लेके हुसैन के नौहे पढ़ते हुए जाते, ये आपने शुरू किया है? नहीं, ये पहला मातमी जलूस अली की बेटी करबला से लेके चली है। ये बगैर मकसद के अली की बेटी निकली है। ये हर गांव में, हर देहात में हुसैन की शहादत पढ़ती हुई, हुसैन के नोहे और मरसिये पढ़ती हुई, हुसैन के मातमी जलूस की बुनियाद अली की बेटी ने रखी। ये खून का पुरसा आपने शुरू किया। फारसी और अरबी किताबों की जिम्मेदारी लेके कह रहा हूं, जिसने हुसैन के गम में
सबसे पहले ऊंट की कोहान में सर मार के सबसे पहला खून का पुरसा किया है वो हुसैन की बहन फातिह शाम है। इसने सबसे पहले ऊंट की कोहान में सर मार के खून निकाल के हुसैन के गम में खून का पुरसा किया है वो ओन की अम्मा है। क्या आपका मातम तुमने शुरू किया? नहीं, जिसने अस्कलान की दरबार के बाहर सबसे पहले आग पे चल के आग के मातम की बुनियाद रखी है वो हुसैन की दस्तार का वारिस सज्जाद है। ये आजादारी आलिया की दुआ का नतीजा है। ये आजादारी हमने न किसी के कहने पे शुरू की थी न किसी के कहने पे छोड़ सकते। मर जाना कट जाना न विलायत पे समझौता न करना न हुसैन की आजादारी पे समझौता, क्योंकि इस विलायत को बचाते बचाते इशारा कर रहा हूं रिवायत नहीं पढ़ा वैसे जैसे किताब में, इस रिवायत इस विलायत को बचाते बचाते हुसैन की मां भी जख्मी चेहरा लेके गई है। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्जहरा सैयद आपका पुरसा कबूल फरमाए। इस विलायत को बचाते बचाते हुसैन की मां भी जख्मी चेहरा लेके दुनिया से गई है, हुसैन की बेटी भी जख्मी चेहरा लेके दुनिया से गई है। यही तो वजह है तेरा सैयद साजिदीन मौला जब वापस जाने लगा था ना अपने चचा अब्बास की कब्र की पाइंदी की जानब खड़े होके रो के कहा था चचा करबला में बाजू कटवा लेना आसान है। अभी मुझसे पहले जाकिर साहब पढ़ रहे थे ना मौला गाजी के मसाइब, सज्जाद देख के कहते चचा करबला में आंख में तीर खा लेना आसान है, चचा करबला में पेशानी पे गुर्ज खा लेना आसान है, या अब्बास की कब्र हिलने लगी आवाज आई सज्जाद फिर मुश्किल क्या है? हो ही नहीं सकता हो हल्के का मातमी और आंख का वजू न हो। सज्जाद कब्र पे हाथ रख के कहते हैं चाचा आलिया जैसी मां के साथ शराबी के दरबार में जाना मुश्किल है। अजरकुम अलज़हरा अजरकुम अलज़हरा सैयद आपका पुरसा कबूल फरमाए, हुसैन की माँ आपका गिरिया कबूल फरमाए। जितने इस पूरी मजलिस में शाम के जायरीन है ना वो मेरी बात की ताईद करेंगे, जो नहीं गए मिंबर से सैयदों के दुआ कर रहा हूं मेरी मालिक इन सबको अपनी दहलीज पे सजदे का इज़्ज़त अता करे। जितने शाम के जायर है ना वो मेरी बात की ताईद करेंगे, जब मैं पहली दफा शाम सजदे के लिए गया ना जितने शाम के जायर है उनके जहन में नक्शा आ जाएगा। आज भी दरबार को दो रास्ते जाते, एक मेन बाजार वाला रास्ता सूखे हमीदिया से होता हुआ, दूसरा मोहल्ले उमैया से होता हुआ जो मेरी छोटी मालिक इनके रोजे से गुजरता हुआ दरबार जाता है, दूसरा वो मोहल्ले उमैया का रास्ता। सबसे ज्यादा जिस मोहल्ले में खड़ी रही है ना वो ये मोहल्ले उमैया है। अब माफी मुझे दीजिएगा, जब मैं पहली दफा शाम सजदे के लिए गया ना मैं इस मोहल्ले उमैया की गलियों को देख के रोने लगा। वो जो काफिले का सालार दासने का किबला क्यों रोते? मैंने पांच काफिले के लोगों को करीब बुलाया, मैंने कहा जरा पांचों लोग मेरे साथ कतार बना के तो खड़े हो जाएं। जैसे पांच लोग हम उस गली में खड़े हुए ना छठा बंदा हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता था। मैंने रो के कहा यार अब खुद सोचो, जहां हम छह मर्द साथ नहीं चल सकते वहां 9 लाख कुत्ते शराब पी के नाच रहे थे। रो के कहती थी रास्ता दो मैं अली की बेटी।
अजरकुम अलज़हरा सैयदा आपका पुरसा कबूल फरमाए, हुसैन की माँ आपका गिरिया कबूल फरमाए। बुजुर्ग हाथ बांध रहे, मैंने कहा जहाँ आज भी 6 से 7 मर्द साथ नहीं चल सकते, वहां यजीदी लश्कर के सिपाही हंस रहे थे, रो के कहती थी रास्ता दो, मैं अली की बेटी। एक जुमला हल तक आया, मैं गुजर रहा था, बस एक रिवायत इसके बाद पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर, ये भी अरबईन सलाम करने गया ना सजदा करने करबला में, ये जुमला शब अरबईन मैंने पढ़ा है, और न जाने किस रंग में वहां पाकिस्तानी जायरीन ने पुरसा किया है। मैं देखता हूँ हल्के का मातमी कहाँ बैठा है। अज़ादारों, जब शाम के बाजार में काफिला पहुंचा ना, अपनी आंखों से रिवायत पड़ी है कि बाजार में चलते चलते शिमर को न जाने क्या जहन में आया, इसने ताजियाना उठा के अपने ही एक सिपाही के घोड़े के चेहरे पे मारा। इधर ताजियाना घोड़े के चेहरे पे लगना था ना, या पिसरे साद ने शिमर का हाथ पकड़ा, देख के कहता है शिमर हया कर, तुझे पता नहीं है ये घोड़ा अपनी जुबान से खुदा का जिक्र करता है, तू इसके मुंह पे क्यों मार रहा है। मातमियों, ये सब ने सुना, लेकिन जैसे 4 साल की सकीना ने सुना ना, वैसे किसी ने नहीं सुना। तड़प के सज्जाद के करीब आई, रो के कहती है भैया ये कह रहा था घोड़े के चेहरे पे न मार, ये अपनी जुबान से खुदा का जिक्र करता है। भैया इसे बता, सकीना भी कुरान पढ़ती है। भैया ये मुझे पुश्त पे मारे, ये मुझे चेहरे पे न मारे। भैया इसका हाथ मेरे चेहरे से बड़ा। अजरकुम अलज़हरा सैयद आपका पुरसा कबूल फरमाए। बस काफी पड़ गया, मैं आखिरी फिक्रा मिंबर छोड़ने लगा हूं। जो हल्के के मातमी हैं, जो पुरसे के लिए आए, वो हुसैन की बहनों का पुरसा दीजिएगा। दिन ही कितने रह गए अय्याम अज़ा के यार। अल्लाह अकबर, जुमला महसूस कीजिएगा। जब शाम के बाजार में पहुंचा ना काफिला, किताबें लिखती हैं मुसलमान चादरें लूटते रहे। जब ईसाइयों के मोहल्ले से गुजरी ना, रो के गा मैं मुबाहले वाली बतूल की बेटी हूं। ये तो आज का दौर गवाह है। इस मुहर्रम में तस्वीरें चली हैं, ये सफेद रीश बुजुर्ग बैठे हैं, ये मेरी बात की तायीद करेंगे। ये लाहौर में कुछ साल पहले जलूस की एक गली में काम चल रहा था ना, इंतजामिया ने कहा बराबर वाले मोहल्ले से गुजर जाएं, आशूर का जलूस। जैसे 9 मुहर्रम को पता चला ना कि ये इस मोहल्ले से गुजरेगा, वो मोहल्ला था ईसाइयों का, ईसाइयों के बच्चों ने अपने घरों को छोड़ दिया था। लाहौर के हल फूल फरोश की दुकान पे पहुंचे, रो के कहते जितने पैसे चाहिए ले लो, जितने फूल है आज हमें दे दो। उन्होंने कहा क्या करोगे, कहा हमने सुना है हमारी गली से हुसैन का जलूस गुजरेगा, हम अपनी गली में फूल बिछाएंगे, मोहम्मद के बेटे का जलूस। अजरकुम अल्लाह, अज़ादारों जैसे बतूल की बेटी ने कहा ना मुझे चादर दो, मैं फातिमा की बेटी हूं, उसी बाजार में गिरजा था, गिरजे से राहिब धाड़े मारता हुआ बाहर आया, एक सिपाही से कहता है मोहम्मद की बेटियां कहां हैं। उसने कहा क्यों, कहता है मैं चादरें लेकर आया हूं। वो सिपाही हंस के कहता है तू तो ईसाई है, तू क्यों लाया है। ये रो के कहता है मैं गिरजे में सो रहा था, मैंने देखा ईसा की दस्तार उतरी हुई थी, रो के कह रहा था जल्दी जा मेरे सरदार की बेटियां बगैर चादरों के बाजार में खड़ी है। अज़ादारों, इधर चादरें सरों पर आई, शेमर की नजर पड़ी, ये ताजियाना लेके सज्जाद के करीब आयो, कहता कैदी बीबियों ने चादरें किसकी इजाजत से पहनी है। सज्जाद रो के कहते तुमने तो नहीं दी, ईसाइयों ने दी है। कहता है जब तक तेरी मस्तूरात के सरों पे चादरें रहेंगी ना, उस वक्त तक मैं तेरी पुश्त पे जुल्म करूंगा,
ये सुनना था ना, रो के कहता है बाकिर जरा जल्दी आ, मेरे बच्चे मेरी पुश्त से कुर्ता हटा, इससे जितना मारना है मुझे मार ले बेटा, जब तक ये मुझे मारता रहेगा तब तक मेरी माँ के सर पे चादर रहेगी। अजादारो इसने पहला ताजियाना मारा, रो के कहता है अम्मा ज़ैनब की चादर का सदका, इधर दूसरा ताजियाना लगा, रो के कहा अम्मा उम्मे कुलसूम के पर्दे का सदका, महात्मियों के पुरसे के लिए जुमला कह के मैं मिंबर छोड़ने लगा। अजादारो इधर पांचवा ताजियाना सज्जाद की पुष्ट पे लगाना, या सबसे पहले 4 साल की बच्ची बीबियों के सामने आके हाथ बांध के रो के कहती है कोई चादर दे या ना दे, मैं सकीना देने का तैयार, मेरा बीमार भाई। ये सज्जाद की पुष्ट पे लो है के ताजियाने, मेरे भाई का गोश्त कट कट के जमीन पे, मेरा भाई बाजार में मर्ज। अल्लाह अल्लाह।